Hello everyone, I am your educator Sumit Soni. Welcome back to my channel Scorecard Classes. Today we are discussing Class 8 Science NCERT Chapter 2 Microorganism Friend and Foe का second part. इससे पहले इस videos में हम पढ़ चुके हैं What is microorganism? Classification of microorganism? Where do microorganism live? How microorganisms are used in making of curd, cheese, bread or in baking industry? कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म. आज इस वीडियो में हम हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे. माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल कैसे शो करेगा? हमारे अंदर डिजीज कॉज करके. तो माइक्रोऑर्गेनिज्म जनरली डिजीज कॉज करते हैं एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स. तो जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म है उनको हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस. अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस. पहली बात तो कि हमारी बॉडी के अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कैसे करते हैं, कैसे ट्रांसमिट करते हैं, हम वो पढ़ते हैं. जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनको हम पैथोजेंस बोलते हैं, वो जनरली एंटर करते हैं हमारी बॉडी के अंदर थ्रू एयर वी ब्रीथ, थ्रू वाटर वी ड्रिंक एंड फूड वी ईट. ठीक है, तो एयर, वाटर, फूड के थ्रू ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं. सेकेंड ऑप्शन है कि इन्फेक्टेड पर्सन जिसको इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ऑलरेडी अटैक कर रखा है, उस इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र होना. और थर्ड, कैरियड बाय एन एनिमल. कॉम्युनिकेबल डिजीज़. फर्स्ट, कॉम्युनिकेबल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना, यानी कि एक जगह से कॉम्युनिकेबल बना है कॉम्युनिकेशन वर्ड से, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना. तो वही हम देखते हैं माइक्रोबियल डिजीज़ डैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट टू ए हेल्दी पर्सन. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसे माइक्रोबियल डिजीज जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से बाय द मीन्स ऑफ एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट से टू ए हेल्दी पर्सन को हो जाते हैं, उनको अपन बोलते हैं कॉम्युनिकेबल डिजीज. यानी कि अगर एक इंसान बीमार हो गया तो उसके कॉन्टैक्ट में जितने लोग आएंगे वो भी क्या हो जाएंगे? बीमार. एग्जाम्पल है कॉमन कॉल्ड और चिकन पॉक्स. आपकी बुक में 3-4 एग्जाम्पल और दिए, इनमें से आपको जो अच्छे लगे वो 2 एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो. अब हम कॉम्युनिकेबल डिजीज को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. वो एग्जाम्पल है कॉमन कोल्ड. जैसे आपने देखा होगा किसी इंसान को जुकाम हो रहा है, जैसे ही वो छींकेगा तो हमें जल्दी क्या एडवाइस दी जाती है कि अगर आपको जुकाम है, आप छींक रहे हो तो आप हाथ को ऐसे करके छींको या आप एक हैंकी का यूज़ करो. नॉर्मली क्या होता है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन अगर छींकता है तो उसके छींकने के साथ बहुत सारे वायरसेस आसपास की जो उसका आसपास का एरिया होता है एयर के अंदर फैल जाता है. अगर कोई हेल्दी पर्सन वहाँ से निकल रहा है और उसने उस जगह पर ब्रीथ किया, नॉर्मली तो इंसान ब्रीथ करेगा ही, उस जगह पर अगर वो ब्रीथ कर रहा है तो वायरसेस उसके बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे और ये इन्फेक्शन उसको भी हो जाएगा. तो भी अब हेल्दी पर्सन से किस में चेंज हो गया? एक इन्फेक्टेड पर्सन में चेंज हो गया. अब हमने ये तो देख लिया कि कॉमन कोल्ड एयर के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है हेल्दी पर्सन के अंदर. ऐसे ही एनिमल्स भी कैरी करते हैं, और जनरली जो एनिमल कैरी करते हैं ये हमारे घर के कौन होते हैं? हाउस फ्लाई, जिनको हम मक्खियाँ बोलते हैं. ये हाउस फ्लाई क्या करती है? मैंने आपको पहले ही बताया, अनकवर फूड पे बैठ जाती है आके. पहले ही क्या करती है कि बाहर रहती है, ह्यूमन एक्सक्रेटा पे बैठती हैं, बाहर गंदगी में बैठती है और अपने साथ पैथोजेंस कैरी करती है. पैथोजेंस स्टिक हो जाते हैं इनकी बॉडीज़ में, और अगर ये अनकवर्ड फूड के ऊपर आके बैठ गए तो पूरा का पूरा फूड क्या हो जाएगा? कंटेमिनेटेड. वो कंटेमिनेटेड फूड को हम खाएंगे तो हम भी बीमार हो जाएंगे. इसलिए हमें सलाह दी जाती है कि आप कभी भी अनकवर्ड फूड को नहीं खाएं. अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इंसेक्ट कैरियर का, तो वो है मॉस्किटो. फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो जो अपने साथ प्लाज्मोडियम पैरासाइट कंटेन करती है, किसी हेल्दी पर्सन को काट लेती है तो उसको क्या हो जाता है? मलेरिया. सेम आपने डेंगू का केस भी देखा होगा. डेंगू केस में एडिस मॉस्किटो अगर काटता है हमें, ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है. पहले वाले फीमेल से जो एनाफिलस मॉस्किटो है उससे मलेरिया होता है, और फीमेल एडिस मॉस्किटो अगर हमें काटता है तो हमें डेंगू होता है. तो आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एनाफिलस मॉस्किटो है जिससे मलेरिया होता है वो अपने साथ क्या कंटेन करता है? प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है. और एडिस मॉस्किटो कौन से डिजीज कॉज करता है? डेंगू. तो जनरली आपने देखा होगा कि जो मॉस्किटोज है वो ब्रीड करते हैं इन वाटर. अगर अपने आसपास पानी को कहीं इकट्ठा नहीं होने दे, पानी को जो गंदा पानी है उसको रेगुलरली हम साफ करते रहें, अपने आसपास के एरिया को हम क्लीन रखें, तो ऐसी बीमारियों को रोक सकते हैं. आप अपने बुक के फिगर 2.8 में फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो की पिक देख सकते हैं. आप टेबल 2.1 में कुछ कॉमन डिजीज देख सकते हैं.
किस मोड ऑफ ट्रांसमिशन से फैलती है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है और उसके प्रिवेंशन क्या है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि मिल्क को कर्ड में चेंज करने वाले बैक्टीरियम का नाम क्या है और देखते हैं कौन इसे जल्दी बता पाता है। और दूसरी बात कि कमेंट में किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम जो एक्टिविटीज़ आप हमें समझाते हो वो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि एक्टिविटी एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती, वो सिर्फ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको समझाने के लिए होती है। जैसे पैथोजेंस ह्यूमन बींग्स के अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं, वैसे ही जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी एनिमल्स के अंदर भी डिजीज़ कॉज करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स बहुत ही बड़ी बीमारी थी जो कि बहुत ही लार्ज स्केल में कैटल्स के अंदर फैली थी। उसकी मैं पिक में साइड में लगा दूँगी, आप देख सकते हैं। तो उसमें क्या था, पूरे बॉडी के अंदर ये एक बैक्टीरियम डिजीज़ है, इसके कैटल के पूरे बॉडीज के अंदर रैशेज हो गए थे जिससे बहुत सारी कैटल्स की डेथ हो गई थी। और दूसरी बात यह है कि उनके फूट और माउथ में जो डिजीज़ कॉज होता है, जैसे रैशेज के फुट और माउथ में नज़र आएंगे तो वो डिजीज़ किससे कॉज होंगी, वायरस। वायरस और बैक्टीरिया दोनों से ही एनिमल्स को डिजीज़ कॉज होते हैं। और डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, तो आपने देखा होगा वीट, राइस, शुगर केन, पोटैटो, ऑरेंज हम कभी खा नहीं सकते। आप देखोगे कि जो आलू है, आलू के अंदर कभी स्मेल आती है, वो उसकी आलू बहुत सड़ गया है, तो रेड रोट नाम की भी शुगर केन के अंदर बीमारी होती है। इससे गन्ने का जो पूरा पार्ट है वो रेड कलर, अंदर से वो रेड कलर का हो जाता है। तो इसके एडवर्स इफेक्ट ये है कि ये क्रॉप्स की यील्ड को रिड्यूस कर देता है, जिससे हमारे फार्मर्स को क्या नुकसान उठाना पड़ता है भारी। तो इससे छुटकारा पाने के लिए हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं। तो हम केमिकल्स को हम अपने खेतों में क्रॉप्स के ऊपर स्प्रे करते हैं, जिससे क्या ये माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो कम हो जाती है और हमारे क्रॉप्स की यील्ड बढ़ जाती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड पॉइजनिंग। कभी हम बाहर से बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, उल्टा सीधा खा लेते हैं, या सड़क किनारे जो ठेले लगे होते हैं उनसे खा लेते हैं। जनरली गर्मियों के टाइम पे हम खाना खाते हैं तो हम घर में आके देते हैं, हमारे पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ आने लग जाती है, कभी कभार हमको वॉमिट भी हो जाता है, कभी कभी इतने बीमार हो जाते हैं कि हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि भैया इसको तो फूड पॉइजनिंग हो गया। अभी फूड पॉइजनिंग क्या होता है, कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम ऐसा खाना खाते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा जो फूड ख़राब कर दिया गया है। ख़राब कैसे कर दिया, कि कोई फूड हमने रखा है, सुबह बना के रखा, दो दिन तक हमने खाया नहीं, फ्रिज के अंदर में रखा नहीं, उसको बाहर पड़ा हुआ है। बाहर पड़े होने की वजह से क्या, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएंगे तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करेंगे। टॉक्सिक सब्सटेंस को जैसे हम ईट करेंगे, उस फूड का हम कंजप्शन करेंगे, तो हमारा पेट क्या हो जाएगा, ख़राब, और हम बीमार हो जाएंगे। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने अपने खाने को ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं। तो इसके हम कुछ टेक्निक्स देखेंगे जो हम यूज़ करते हैं अपने डेली रूटीन में। अब हमें क्या करना है कि हमारे फूड को हमें स्पॉइल होने से बचाना है। फूड को स्पॉइल होने से बचाने के लिए हमें प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो फूड को स्पॉइल होने से बचाना क्या कहलाता है, फूड प्रिजर्वेशन। अब हमारा फूड ख़राब हो गया है, हमें पता कैसे चलेगा, उसके अंदर से बैड स्मेल आएगी, अगर हम उसे टेस्ट करके देखेंगे तो बैड टेस्ट आएगा और उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। इन तीनों में से एक भी चीज़ हम यूज़ करके पता लगा सकते हैं कि हमारा फूड स्पॉइल हो गया है। अब हम मेथड्स देखेंगे कि किन किन मेथड्स को यूज़ करके, कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स हम यूज़ करके अपने फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। फर्स्ट है केमिकल मेथड, यानी कि हमें केमिकल्स यूज़ करना है। कौन कौन से, सॉल्ट, एडिबल ऑयल्स, ऐसे केमिकल्स जो फूड को स्पॉइल होने से रोकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव्स। एग्जाम्पल है इसका सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये दो ऐसे एग्जाम्पल हैं, दो ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनको एज ए प्रिजर्वेटिव्स हम यूज़ करते हैं, जनरली किसमें, पिकल्स के अंदर, जैम के अंदर, अपने स्क्वैश बॉटल के अंदर। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, मीट और फिश। आपने देखा होगा कि जब फिश लेने जाते हैं तो दुकानदार फिश के ऊपर बाबा थोड़ी थोड़ी देर में नमक डालता रहता है। बाबा नमक उसके ऊपर करने से माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ नहीं होती फिश के ऊपर और फिश स्पॉइल होने से बच जाती है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। हम देखेंगे कि जैम्स, जेली और स्क्वैश की बॉटल्स के अंदर शुगर ऐड आती है। शुगर ऐड किस लिए, क्योंकि ये रिड्यूस कर देता है मॉइस्चर कंटेंट को। जैसे हम शुगर को ऐड करते हैं तो वो उस चीज़ का मॉइस्चर कंटेंट को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से जो माइक्रोबियल ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। नेक्स्ट है हमारा प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। आपने देखा होगा कि अचार के डिब्बे के अंदर ऑयल के नीचे वाले जो अचार रहता है वो कभी ख़राब नहीं होता, अगर कुछ पोर्शन उस अचार का ऑयल के ऊपर रहेगा तो वो ख़राब हो जाएगा। तो इससे ये प्रूव होता है कि ऑयल है वो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ को रोकती है।
आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी जो दूध लेकर आती है उसको सबसे पहले गर्म करती है, फिर उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करती है। गर्म इसलिए करती है कि उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया या फिर माइक्रोऑर्गेनिज्म उसके अंदर है वो बॉयल करने के कारण क्या होते हैं, किल हो जाते हैं, और उसको ठंडा करके हम स्टोर करके फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। तो लुईस पाश्चर ने पैस्चराइजेशन प्रोसेस की डिस्कवर की। पैस्चराइजेशन प्रोसेस क्या है कि मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकंड के लिए आपको उबालना है, उसके बाद इसे जल्दी से ठंडा करके पैकेट के अंदर रखना है। तो पैकेट का दूध हम बाहर से लेकर आते हैं, हमें इसे दोबारा बॉयल करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि इसके अंदर माइक्रोब्स नहीं होते, हम उसको एज इट इज़ कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्ट फार्म से लेकर आते हैं या डेयरी से लेकर आते हैं तो हमें उस दूध को उबालने की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर माइक्रोब्स रहते हैं। जो फूड हमारे घर में बच जाता है उसको हम कहाँ स्टोर करते हैं, रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर में इसलिए स्टोर करते हैं क्योंकि रेफ्रिजरेटर लो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है जो कि माइक्रोऑर्गेनिज्म को ग्रो करने से रोकता है, इसलिए रेफ्रिजरेटर में रखी हुई कोई भी चीज़ हमारी ख़राब नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज एंड पैकेजिंग। अगर हम अपने खाने वाले फूड को किसी भी एयरटाइट पैकेट के अंदर स्टोर करते हैं तो क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं अटैक ऑफ माइक्रोब्स। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ करके अपने फूड को स्पॉयल होने से बचा सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन। हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसका जो अमाउंट है वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा हमेशा। तो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको कैसे प्लांट फिक्स करते हैं, उसके लिए जो बैक्टीरिया काम आता है वो है राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनियस प्लांट के रूट नोड्यूल्स के अंदर रहता है। कोई भी प्लांट जिसकी जड़ें बहुत रेसेदार होती हैं उनको अपन बोलते हैं लेग्यूमिनियस प्लांट, और इन लेग्यूमिनियस प्लांट के रूट नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है कि एटमॉस्फेयर में जितना भी नाइट्रोजन है ये उसको फिक्स करने में इसकी हेल्प करता है। यहाँ पे उसको नाइट्रोजन के यूज़फुल कंपाउंड्स में चेंज करता है, फिर प्लांट्स यूज़फुल कंपाउंड्स को यूज़ कर लेता है। राइजोबियम बैक्टीरिया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है प्लांट्स के साथ। लाइटनिंग के प्रोसेस के थ्रू भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन के यूजफुल कंपाउंड्स में चेंज हो जाता है। अब इसको बहुत अच्छे समझने के लिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, नाइट्रोजन साइकिल। डेफिनेटली ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के अंडर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एंटीबायोटिक क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस है जो कि कांस्टेंट रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती। तो होता क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते रहूँगी, आपको समझना है और इसे समझने के बाद आपको पेपर में ड्रॉ करना है जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना याद रहा। तो हम देखेंगे कि 78% नाइट्रोजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में है। तो क्या हुआ कि कुछ ब्लू ग्रीन एल्गे जो कि एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स कर लेती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं एग्जांपल ब्रियोगिन एल्गी, ये क्या करते हैं एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं। इन्होंने इस नाइट्रोजन को पकड़ लिया एटमॉस्फेयर से। फिर कुछ बैक्टीरिया जो इन्होंने फिक्स कराया नाइट्रोजन को, तो बैक्टीरिया इन टर्न्स फिक्स नाइट्रोजन इंटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स। ब्लू ग्रीन एल्गेस ने कुछ नाइट्रोजन फिक्स कर लिया। सपोज करो कि हमारे पास यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गे है, इसने कुछ नाइट्रोजन यहाँ पे फिक्स कर लिया, 28% नाइट्रोजन इसने पकड़ के रख लिया। इस ब्लू ग्रीन एल्गे ने इस बैक्टीरिया को 28% नाइट्रोजन दे दिया जिसने इसको नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में चेंज कर दिया। अब ये नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स कहाँ चले गए, मिट्टी के अंदर, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉयल। ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉयल्स, ये प्लांट्स इसको ले लेते हैं थ्रू देयर रूट सिस्टम। अब रूट सिस्टम के थ्रू प्लांट ने इनको ले लिया और इसको किस में चेंज कर लिया, जहाँ जहाँ इनको नाइट्रोजन की ज़रूरत थी। इनको नाइट्रोजन की ज़रूरत किसके अंदर होती है, प्रोटीन बनाने के काम आती है, प्लांट्स के प्रोटीन बनाने काम आती है। अब प्लांट्स ने प्रोटीन बना लिया, अब थ्रू रूट सिस्टम प्लांट्स ने ये नाइट्रोजन के यूजफुल कंपाउंड्स ले लिए और उसको प्रोटीन में चेंज कर दिया। और ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स को फीड करते हैं, ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स को खाते हैं, उन्होंने प्लांट्स को खा लिया, तो अब वो प्रोटीन कहाँ चला गया, अब वो प्रोटीन प्लांट्स के अंदर चला गया। प्रोटीन जब प्लांट्स के अंदर चला गया तो एनिमल्स ने क्या करा, एक्सक्रीशन स्टार्ट करा। एक्सक्रीशन से कुछ प्रोटीन सॉयल के अंदर मिक्स हो गया, या फिर एनिमल्स की डेथ के बाद वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट कहाँ चला गया, वापस से सॉयल के अंदर। तो इतना आपको समझ में आया
कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ब्लू ग्रीन एल्गे और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर लिया। फिक्स नाइट्रोजन फिक्स को इन्होंने किस में चेंज करा, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में चेंज कर दिया। नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स अब कहाँ पे है, सोयल के अंदर। तो प्लांट ने अपने रूट सिस्टम के थ्रू इस नाइट्रोजीनियस कंपाउंड को ले लिया और इनको प्रोटीन्स के अंदर चेंज कर दिया और इसको प्रोटीन के अंदर चेंज कर दिया। फिर ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स को फीड करते हैं उन्होंने इस प्रोटीन को ले लिया और एक्सक्रीशन के थ्रू और आफ्टर देयर डेथ ये वापस से कहाँ चला गया, सोयल के अंदर चला गया। कुछ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लाइटनिंग प्रोसेस के थ्रू भी सोयल के अंदर जाती है, बिजली की गड़गड़ाहट होती है और कुछ नाइट्रोजन लाइटनिंग प्रोसेस के थ्रू सोयल के अंदर चली जाती है। तो आपको ये याद रखना है, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड सोयल के अंदर दो प्रोसेस से आते हैं। फर्स्ट लाइटनिंग नेचुरल प्रोसेस है, सेकंड कुछ बैक्टीरिया इनको एटमॉस्फेयर से फिक्स करते हैं और नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में इसको चेंज करते हैं। फिर हमने देखा प्लांट्स ने ले लिया, फिर प्लांट्स से एनिमल्स ने ले लिया और एनिमल्स के डेथ के बाद और उनके एक्सक्रीशन के बाद ये वापस से सोयल के अंदर चला गया। अब जो सोयल के अंदर है फिर कुछ बैक्टीरिया इस सोयल को वापस कहाँ किस में चेंज कर देंगे, नाइट्रोजन गैस में चेंज कर देंगे। बैक्टीरिया टर्न्स कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। कुछ बैक्टीरिया जिन्होंने नाइट्रोजन कंपाउंड्स को वापस किस में चेंज कर दिया है, नाइट्रोजन गैस में, और ये नाइट्रोजन गैस हमारे वापस कहाँ चली गई, हमारे एटमॉस्फेयर में। तो इस तरह जो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन का कंटेंट है वो एज इट इज़ रहता है, सेम रहता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। होप सो आपको समझ में आया होगा। हमेशा की तरह आपको मेरी वीडियोस दो बार देखनी है, फर्स्ट इसे थ्रू आउट देखें और सेकंड टाइम आप इसे अपनी एनसीईआरटी बुक के साथ रेफ़र करें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर किसी और चैप्टर को आपको मुझसे समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। होप सो ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। अब मैं आपको किसी दूसरे चैप्टर के नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलूँगी। जब तक के लिए स्टे हेल्दी।